हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीलॉग। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने लॉस एंजलस में, किसी अच्छी जगह पे। एक अच्छी पाकिस्तानी प्लेस है और हम लोग यहाँ पे आए, हमने आपको अपनी सारी जर्नी दिखाई, 6 घंटे की ड्राइव दिखाई। अब आपको हम दिखाएंगे कि हम कहाँ जाके खाना खाते हैं और वहाँ हमारा एक्सपीरियंस कैसा गुजरता है। सो स्टे विद अस, लेट्स गो। तो गाइस, अभी हम लोग होटल रूम से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं अलवतन हलाल रेस्टोरेंट। और हमें जो है यहाँ से डिस्टेंस थोड़ा सा पड़ेगा, लाइक 20-25 मिनट्स का, और हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे। हम लोगों ने पास ही होटल लिया हुआ है तो हमें इतना मसला नहीं आ रहा, आराम से हर जगह अवेलेबल है। लेकिन चूंकि हम यहाँ का सिस्टम सैन फ्रांसिस्को से थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे सारी चीज़ें एक जगह पे नहीं बनी हुई, सारी सेपरेट सेपरेट एरियाज़ पे बनी हुई हैं। तो आपको कहीं भी जाना है तो आपको ड्राइव करके जाना पड़ेगा। और अभी हम लोग 6 घंटे की ड्राइव करके आए हैं, सामान रखा है, थोड़ा सा फ्रेश हुए हैं और अब जा रहे हैं खाना खाने क्योंकि बहुत भूख लगी हुई है। सो स्टे विद अस एंड सी व्हाट वी ऑर्डर, व्हाट वी ईट। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ शहरों में ऐसे रेस्टोरेंट नहीं मिलते जिनमें हलाल फूड मिलता हो, हलाल मीट मिलता हो। तो हमने देखा कि ये रेस्टोरेंट, यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे रेस्टोरेंट थे जो पाकिस्तानी क्विजीन भी ऑफर कर रहे थे और उनमें हलाल मीट भी मिल रहा था। तो हमने फिर ये वाला प्रेफरेबली चूज़ किया, बिकॉज हम जब लास्ट टाइम लॉस एंजलिस आए थे तो हमने यहाँ पे खाना खाया था और हमें यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा था। उसके अलावा हमने अलूर रेस्टोरेंट के अंदर खाया था और एक था बिरयानी कबाब हाउस, वहाँ हमने खाया था। तो उन सब में हमें इसका खाना बहुत अच्छा लगा था और हमने डिसाइड किया था अगर नेक्स्ट टाइम हम लोग कभी ट्रिप मारते हैं या आते हैं यहाँ पे तो हम यहाँ से खाना अलवतन से ट्राई करेंगे। आप लोगों के लिए भी अगर कभी कोई लॉस एंजलिस आता है या उसका यहाँ पे रह रहा है तो कभी जाके अलवतन का खाना ज़रूर ट्राई करें। बेसिकली आज हम वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि खाना सारा का कैसा है, सब कैसा है। लेकिन आप ख़ुद भी आकर ट्राई करें और हमें बताएं कमेंट्स में कि आपका एक्सपीरियंस कैसा गुजरा। लॉस एंजलिस में आपको चाहिए गाड़ी, कोई भी अपना पर्सनल व्हीकल ट्रेवल करने के लिए, क्योंकि उसके पर गुजारा नहीं है। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। इवन कि आप, मैं एक दफ़ा एयरपोर्ट पे आया था, वहाँ से भी कोई मेट्रो नहीं चल रही थी। पहले बस लो, फिर आगे मेट्रो लो, तो ख्वारियाँ बहुत हैं। इसलिए यहाँ पर अगर आप कभी आओ तो अपनी गाड़ी लाओ, नहीं तो रेंट पर लो, वरना यहाँ पर आपको सिटी घूमने का मज़ा नहीं आएगा। सैन फ्रांसिस्को में फिर भी आपको गुजारा चल रहा था, न्यूयॉर्क में आपको ज़रूरत इतनी नहीं है, बट यहाँ पे आपको ज़रूर चाहिए गाड़ी। उसके बगैर आपको सिटी का मज़ा नहीं आएगा। आप किस तरह ट्रैवल करोगे? हॉलीवुड से आप जा रहे हो बीच पे, बीच से आप आ रहे हो इधर किसी और नेबरहुड में, डाउनटाउन में। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि गाड़ी ज़रूर रखो। वही बात होगी जो मैं आपको बता रही थी कि सैन फ्रांसिस्को में सब कुछ पास पास था। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो, चले जाते हो, वॉक करते हो, कुछ वॉकिंग ब्लॉक्स क्रॉस करके कुछ आ जाता है। यहाँ पे सब कुछ दूर दूर है। यहाँ पे गाइस आप लोग देख सकते हो कि रात को कितना खूबसूरत लगता है लॉस एंजलिस का शहर। बाहर कितनी प्यारी प्यारी लाइटिंग नज़र आ रही है, कितनी खूबसूरत सी एक सीनिक व्यू सा बना हुआ है और कितना ज़बरदस्त सा माहौल क्रिएट हो जाता है। यानी आपको रात के टाइम भी लॉस एंजलिस में ड्राइव करते हुए बहुत मज़ा आता है। अच्छा अली, आप साथ साथ हमें ये बताएं यहाँ पे ट्रैफिक में गाड़ी चलाना कैसा है, यहाँ की ट्रैफिक कैसी है? यहाँ की ट्रैफिक तो US की सबसे ज़्यादा बदनाम है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम्स होते हैं, बहुत यहाँ पे रश पड़ जाता है, ड्राइवर्स भी फिर ऐसे हैं कुछ। तो अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, काफ़ी आपको एक्सपीरियंस हो तो आप कर लोगे मैनेज। अगर कोई नया है उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी यहाँ पे। एक तो साथ साथ लेंस बनी है एक तरफ की और फिर आपने एग्जिट्स लेनी है, वो लेने हैं, इधर की मूव करने हैं। और अगर आप सिटी से अवेयर नहीं हो, मैप्स पर रिलाई कर रहे हो, तो आपको काफ़ी अलर्ट रहना है वरना काफ़ी कन्फ्यूजन है। आपसे एग्जिट्स मिस होंगे, फिर आपको आगे से दोबारा घूम के आना है जिस पर काफ़ी टाइम है। तो ये चीज़ें मैनेज करना है इधर की। यहाँ पे जी आपको हल्का सा व्यू नज़र आ रहा होगा डाउनटाउन की बिल्डिंग्स का। ये हम डाउनटाउन के पास से गुजर रहे हैं, बीच में से नहीं गुजर रहे, साइड से गुजर रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि साइड से आपको दिखा दूँ कि किस तरह सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो नज़र आती हैं और किस तरह का व्यू लगता है रात का इसका डाउनटाउन का। और ये बस एक छोटा सा सेक्शन बना हुआ है डाउनटाउन का, वरना बाकी सारा जो है वो सबर्ब्स में फैला हुआ है लॉस एंजलिस। डाउनटाउन इसका एक दरमियान में एक छोटा सा सेक्शन है जहाँ पे आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही है ना, इतना कि आगे और होगा और बस फिर ये ख़त्म हो जाएगा। ये इसका डाउनटाउन है।
तो गाइस अभी हम 2 मिनट में पहुंचने लगे हैं अपने रेस्टोरेंट पे और फिर आपको दिखाते हैं गाड़ी पार्किंग का क्या इशू है, कैसे आप सड़क पे पार्क करते हो, आपको जगह कैसे मिलती है, किस तरह आप जगह ढूंढते हो, बिकॉज इस तरह की सिटीज़ में यही प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग की प्लेस नहीं होती और साइड वाली जो सारी एरियाज़ हैं वो अक्सर फिल्ड होते हैं, फिर आपको ढूंढना होता है क्योंकि अगर आप सही जगह पर गाड़ी पार्क नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी टो हो जाएगी और फिर वो लंबे काम। तो ये गाइस वो नेबरहुड है जहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट बना हुआ है और अभी इस टाइम पे तो काफ़ी खाली खाली लग रहा है, तो अच्छी बात है। मे बी हम रश वाले टाइम पे नहीं आए हैं, लेकिन ये वो नेबरहुड है जहाँ पे रेस्टोरेंट बना हुआ है और ये सब अब्स में करके बना हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी नहीं है और ये रेस्टोरेंट का हल्का सा आपको व्यू नज़र आ रहा होगा। ये सामने जो बिल्डिंग है जहाँ पे दरवाज़ा खुल रहा है बंद हो रहा है, ये लोग रेस्टोरेंट में से आ जा रहे हैं और ये साइड पर रेस्टोरेंट बना हुआ है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अलवतन और एरो भी लगाया हुआ है। तो गाइस हमें प्लेस मिल गई है जगह गाड़ी पार्क करने के लिए, शुक्र से सामने ही मिल गई है, कोई इशू नहीं बना, यहाँ पे जगह खाली थी। तो ये गाइस हम रेस्टोरेंट में अभी बैठे हुए हैं और हमारे सामने रेस्टोरेंट का पूरा मेन्यू है जो कि टेबल पे इन्होंने लगाया हुआ है और सामने ये रेस्टोरेंट का व्यू आ जाता है। सामने काउंटर है जहाँ पे आप पे करते हो और कुछ लोग साइड पे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट कितना चलता है। और ये विंडो से इसका बाहर का व्यू आ रहा था, बाहर हमारी गाड़ी खड़ी हुई भी नज़र आ रही थी और ये मैं हूँ वेट करते हुए खाने का, आप देख सकते हैं कि काफ़ी थके हुए हैं हम लोग। और यहाँ पे जी हमारा खाना आने से पहले कोक जो हमने ऑर्डर की थी वो आ चुकी है और कुछ एक्स्ट्रा जो चीज़ें रखने वाली होती हैं वो रख रहे हैं। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा खाना आ गया है, ये बिरयानी है जो कि मैंने ऑर्डर की है, मुझे बहुत पसंद है, हलीम हम दोनों ने मिलके मंगवाया है और साइड पे चने हैं जो कि अली की पसंद के हैं, अली ने ऑर्डर किए हैं। तो ये हमारा टोटल खाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इनकी प्लेटिंग का स्टाइल है। अभी यहाँ से मैंने जो है वो छुरी और कांटा निकाल लिया है खाना खाने के लिए और मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है क्योंकि आपको पता है हमने 6 घंटे की ड्राइव की है तो हम बहुत थके हुए हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी बिरयानी का जो है वो पहला चम्मच लूँगी। सर्विंग स्पून इनके छोटे हैं, बड़े वाले नहीं हैं, लेकिन कोई नहीं इससे भी काम चल जाता है। जो मुझे इनकी बिरयानी में सबसे अच्छी बात लगी है वो ये है कि इनकी बिरयानी में प्रॉपर लेग पीसेस हैं। यहाँ पे अगर आप यूजुअली बिरयानी खाते हो तो बोनलेस चिकन की बिरयानी देते हैं और यहाँ पर हमारे पास जी नान आ गए हैं। पर्सनली नान जो यहाँ के हैं वो मेरे फेवरेट हैं, जितनी जगह से भी हमने खाना खाया है यहाँ के नान जो है ना मुझे सबसे अच्छे बने हुए लगे हैं। और यहाँ पे जी बिरयानी के पहले जो कुछ चम्मच हैं वो मैं निकाल रही हूँ और फिर मैं इसको ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि मुझे कैसा लगा है। और यहाँ पे मैंने कैमरा सेट कर लिया है और मैं यहाँ पे अपनी पहली बाइट लेने लगी हूँ बिरयानी की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं पहली बाइट ले रही हूँ और मुझे बिरयानी जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि इस तरह का खाना होता है जो आप चाह रहे होते हो इतनी लंबी ड्राइव के बाद कि आप पेट भर के अच्छा सा खाना खाओ और आपका दिल भी खुश हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो थोड़ी सी सर्विंग बिरयानी की ली थी वो ख़त्म कर ली है और अब मैं नान ट्राई करने लगी हूँ हलीम के साथ। और आप देख सकते हैं साइड पे इन्होंने ग्लास में पानी रखा हुआ है जिसमें थोड़े से लेमन डिप किए हुए हैं ताकि बड़ा अच्छा सा उसका जो है वो एक फ्रेश सा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर जी हलीम की मैं पहली बाइट लेने लगी हूँ और सच बताऊँ तो इनका हलीम भी बहुत टेस्टी था। ये अब हमारे सामने आ जाती है खीर जो कि हम दोनों ने ऑर्डर की है अपने लिए और इस तरह से ये जो है वो खीर 2 प्लेट्स के साथ आई है एक बाउल में डाल के। यहाँ पे मैं प्लेट्स रख रही हूँ और यहाँ पे अली अपनी प्याली में खीर डाल रहे हैं और आप खीर का टेक्सचर देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खीर जो है वो कितनी ज़बरदस्त तरीके से तैयार की हुई है। आपको खाना देख के ही पता लग जाता है कि उसका जायका जो है वो कैसा होगा, उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी थिकनेस और उसकी वो जो रिचनेस है वो आपको देखने में नज़र आ जाती है। और ये साइड पर थोड़ा सा खाना जो हमारा बच गया था वो हमने पैक करवा लिया। तो गाइस हमारा जो तो गाइस हम लोग खाना खा के आ गए हैं वापस और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गुजरा, खाना बहुत टेस्टी था, बिरयानी भी बहुत टेस्टी थी और हलीम तो बेस्ट था। और उसके अलावा हमने चना मसाला की प्लेट ऑर्डर की थी, उसके अलावा हमने दाल की प्लेट भी ऑर्डर की थी और नान बहुत सॉफ्ट थे, बहुत अच्छे थे, जैसे किसी अच्छे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में नान मिलते हैं बिल्कुल वैसे नान थे और वैसा खाना था। और आखिर में फिर हमने थोड़ी सी खीर भी ऑर्डर की जो हमने आपको दिखाई, तो वो भी बहुत टेस्टी थी, बिल्कुल भी ना चीनी ज़्यादा थी ना कम थी, सब कुछ मुनासिबत से बिल्कुल बेस्ट था। तो अगर आप लोग यहाँ पर आते हो और आप लोग लॉस एंजल्स में थोड़ी देर के लिए रुकते हो और आपको बाहर से खाना खाना है तो आप अलवतन रेस्टोरेंट जो है
पाकिस्तानी एंड इंडियन हलाल रेस्टोरेंट ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे सारे मीट वगैरह सब हलाल है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारा कंटेंट अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर, बाय।